जनपद के नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए अगले महीने से 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक एमजी इंटर कॉलेज में 10 बजे से 4 बजे तक कॉलेज में आकर अपना समय व्यतीत करेंगे, जिसमें सुबह शाम का नाश्ता और दोपहर का लंच सोसाइटी की तरफ से निःशुल्क दिया जाएगा। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे ने सोमवार को महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नई योजना नई शिक्षा नीति से प्रभावित होकर यह योजना सोसाइटी द्वारा किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ नागरिक प्रेरक परिषद का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इनके चयन का मुक्त अधिकार सोसाइटी के पास रहेगा, सोसाइटी तय करेगी कि इन्हें अवसर दिया जाए कि नहीं। इन लोगों के लिए वातानुकूलित पुस्तकालय में बैठने की व्यवस्था रहेगी। वरिष्ठ नागरिक कॉलेज के छात्र छात्राओं को कक्षा में जाकर एक पीरियड में अपने जीवन के अनुभव के बारे में बताएंगे और उनको प्रेरणा देंगे तथा उनके आने जाने के लिए व्यवस्था सोसाइटी द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर परिषद के संयोजक ओम प्रकाश सिंह, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य संजय कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे ने कहा, मान लीजिएगा हम लोग के भी एक समझिए कि सोसाइटी एक नए संस्थान की रचना कर रही है, तो आज का दिन ये संस्थापना का दिन तो 16 जुलाई होगा, लेकिन ये सब चीज़ें आर्काइव में रहेंगी, इतिहास की चीज़ें ये बन, तो लॉर्ड के हाथ के वो भी अपनी सेवाएं दे सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंकेश्वर नाथ पांडे, नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी जो इस नगर की सबसे प्राचीन शिक्षण संस्था है 1909 में स्थापित, उसके सचिव के रूप में आज कर रहा हूँ। और आज का दिन सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हम एक नई योजना जो कि नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से प्रभावित होकर यह योजना हमारी सोसाइटी लेके आ रही है, जिसमें हम वरिष्ठ नागरिक प्रेरक परिषद का गठन करने जा रहे हैं। यह वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा आप सभी लोगों को पता है कि 60 वर्ष उम्र होने के बाद हम सभी को सीनियर सिटीजन कहते हैं, महिला पुरुष को। इसमें हम सदस्यता देंगे सोसाइटी के द्वारा और इस परिषद का गठन करेंगे। इसमें जो लोग आवेदन करेंगे, स्क्रीनिंग के बाद हम उन्हें सदस्यता देंगे और यह योजना 16 जुलाई से प्रारंभ होगी। हमारे सोसाइटी के द्वारा 3 विद्यालय वर्तमान में संचालित किए जाते हैं, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज, रामनारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज। इन तीनों विद्यालयों के बच्चों को, छात्र छात्राओं को नैतिक शिक्षा देने का कार्य यह हमारी वरिष्ठ नागरिक प्रेरक परिषद करेगी। यह जो सदस्य इसके होंगे, जो अपने वाहन से आना चाहेगा वो 10 बजे विद्यालय आएगा, जो वाहन उनके पास नहीं होगा सोसाइटी उन्हें वाहन उपलब्ध कराएगी, उन्हें घर से हम लेंगे और वापस उनके घर पहुंचाएंगे। वो लोग 10 से 4 इस विद्यालय में रहेंगे। इसके मूल में हमारा महात्मा गांधी इंटर कॉलेज है और इसके संयोजक प्रधानाचार्य ओपी सिंह साहब और हमारे हिंदी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी हैं, समन्वयक इन दोनों लोगों के द्वारा और मेरे द्वारा यह योजना देखी जाएगी। लाइब्रेरी को में हम लोगों ने 2 वातानुकूलन यंत्र AC लगवाया है, TV लग गई है, अच्छा साहित्य वहाँ पे पहले भी था, कुछ नया भी खरीद के आया है, कुछ इंडोर गेम चेस कैरम इस तरह की चीज़ें भी वहाँ रखी जाएंगी। वो लोग आएंगे, आपस में मिलेंगे, बातें करेंगे, खेलेंगे, TV देखेंगे, न्यूज़ सुनेंगे। 11:30 बजे उन्हें चाय कॉफ़ी, 1:30 से 2 उनका लंच का समय होगा, जिसमें कि विद्यालय उन्हें निःशुल्क लंच उपलब्ध कराएगा। और मेरी भी कोशिश होगी कि मैं महीने में कम से कम 10 दिन उनके साथ दोपहर का भोजन करूं। और पुनः 3:30 बजे उन्हें चाय बिस्किट का क्यों उपलब्ध कराया जाएगा। इन सारी चीज़ों के बाद महात्मा गांधी इंटर कॉलेज
पीजी कॉलेज और राम नारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज में अब पीरियड दो अतिरिक्त पीरियड विषय के अलावा एक नैतिक शिक्षा का और एक खेलकूद और व्यक्तित्व विकास का होगा। खेलकूद व्यक्तित्व विकास के लिए सोसाइटी संगीत योगा के शिक्षक नियुक्त करने जा रही है, लेकिन नैतिक शिक्षा का जो एक पीरियड होगा वो इन तीनों विद्यालयों के सभी सेक्शनों को, ये जो 100 सदस्यों का समूह होगा प्रेरक परिषद, ये लोगों को मैक्सिमम दिन में दो पीरियड यानी 80 मिनट बस इन्हें हमें देना होगा। बाकी यह उस कक्ष में आराम से बैठेंगे और अपना जीवन की चर्चा अपनी बातें करेंगे और इस तरह यह योजना आगे बढ़ेगी। और मुझे यह विश्वास है कि इसका लाभ हमारे तीनों विद्यालयों के लगभग 12,000 छात्र छात्राओं को नैतिक शिक्षा के रूप में, शिक्षक के रूप में ये लोग मिलेंगे और इनको एक आत्मविश्वास मिलेगा कि अभी उनका जीवन बेकार नहीं हुआ है, वो सभी लोग अभी भी समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।